हेलो एंड वेलकम एवरीवन आज हम डिस्कस करेंगे प्री पीएसडी 2024 के क्वेश्चन पेपर के बारे में इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था सिट्रस ग्रीनिंग इज कोर्स बाय देखो आप सबको पता है कि सिट्रस ग्रीनिंग जो है वो फास्टिडियस बैक्टीरिया के द्वारा कोस किया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड नेक्स्ट इज ओवर ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू एज देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिवली डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है यहां पर आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए कि यहाँ पर दो टर्म्स एक साथ आती हैं एक आती है हाइपर और एक आती है हाइपर प्लेसिया आप याद कैसे रख सकते हैं देखो हाइपर प्लेसिया में क्या आ रहा है है एस में क्या होना चाहिए साइज में इंक्रीमेंट होना चाहिए लेकिन साइज में नहीं होता है यहां पर क्या होता है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं यानी कि जहां पर एस आएगा वहां पर साइज ना आके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं तो यहां पर क्या पूछा है नंबर ऑफ सेल्स यानी कि सेल डिविजन किस में इंक्रीज होगा देन राइट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट नेक्स्ट इज विच अमंग इज नॉट फॉर्मड इन एस्कोमाइसीड्स फंजाई देखो एस्कोमाइसीड्स में सेक्शुअल स्पोर्स के फॉर्म में एस्को स्पोर्ट्स बनेंगे क्लिस्टोथीसिया सेक्शुअल फ्रूटिंग बॉडी बनेगी कोनिडिया जो है वो एसेक्शुअल स्पोर्स के रूप में बनेंगे ऊ स्पोर्स नहीं बनते हैं क्योंकि ऊ स्पोर्स ऊमाइकोटा ग्रुप के जो फंगस है उसमें देखने को मिलते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड नेक्स्ट इज द पी पी एम सोल्यूशन ऑफ ए साइड कैन बी प्रिपेर विदो सो पी पी एम का सोल्यूशन बनाना है तो हम 100 मिलीग्राम बैक्टेरिया साइड की कंसनट्रेशन लेंगे थाउजेंड एमएल ऑफ वाटर में नेक्स्ट इज द जूस पोर इन काइट्रेट्स इज तो काइट्रेट्स में जो जूस पोर होते हैं वो पॉस्टि और यूनिफलेजिलेट होते हैं तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड नेक्स्ट इज पीजन पी स्टेलिटी मोजेक वायरस देखो पीजन पी का स्टेलिटी मोजेक वायरस इसलिए ज्यादातर पूछा जाता है क्योंकि ये डिफरेंट जैसे किसी पर्टिकुलर वाइल्ड फ्लाइट या होपर से ना ट्रांसमिट होकर ये माइट से ट्रांसमिट होता है जिसे हम बोलते हैं इरीफिडी माइट अकेरिया के जानी जिसका साइंटिफिक नेम है उससे ये ट्रांसमिट होता है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड नेक्स्ट इज सनाप्सिस मैथोडिका फंगोरम वॉज रिटर्न बाई तो इसे सी एच परसून ने लिखी थी इसके साथ में तीन चार बुक्स के नाम आते हैं जिन्हें आपको एक साथ याद कर लेने चाहिए नेक्स्ट इज ओवर ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल इस बार क्या पूछा है सेल की साइज में इंक्रीमेंट को क्या बोलेंगे तो इस बार एस नहीं आना चाहिए तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन थर्ड हाइपर ट्रॉफी नेक्स्ट इज बना बनाना बंची टॉपिस आप सबको पता है बनाना बंची टॉप जो है वो जेमनी विरिडी से बिलोंग करता है जिसमें क्या होगा सिंगल स्टैंडर्ड डी एन एज ए जेनेटिक मटीरियल हो गया और बनाना बंचीटोप वायरस जो है वो परसिस्टेंटली ट्रांसमिट होते हैं देखो यहाँ पर कन्फ्यूज़न इसलिए आ जाता है क्योंकि बनाना बंचीटोप किस से ट्रांसमिट होते है एफिड और एफिड ही एक ऐसी स्पीसीज है जो कि नॉन परसिस्टेंटली ट्रांसमिट करती है वायरसेस को लेकिन बनाना बंचीटोप वायरस जो है वो परसिस्टेंट मैनर में ट्रांसमिट होता है नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट जिसे हम शोल्ट में डीपा के नाम से जानते हैं ये इनेक्ट हुआ था नाइनटीन फोटीन में नेक्स्ट इज पोलीड्रल नेपो वायरसेज आर ट्रांसमिटेड बाई आपको पता है कि दो तरीके के वायरसेज हम बोल सकते हैं निमेटोड को ट्रांसमिट करने वाले हैं नेपो वायरेसेज और नेटो वायरसेज ये दो ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि निमेटोड्स के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं तो नेपो वायरेसेज में जैसे आ जाएगा लोन्जीडोरस हो गया ट्राइकोडोरस हो गया और नेटो वायरसेज में आ जाएगा जैसे टैलिंगकुलस हो गया नेक्स्ट इज द बुक प्लांट डिजीज एपिडेमिक्स एंड कंट्रोल तो प्लांट डिजीज एपिडेमिक्स एंड कंट्रोल जो है वो जेई वंडर प्लैंक ने लिखी थी और इन्होंने ही हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया था नेक्स्ट इज कैराथेन इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फंजीसाइड्स अगेन देखो कैराथेन बेसिकली एक सल्फर फनजीसाइड है और सल्फर फंजीसाइड को हम पाउडर मिल्डू डिजीज के अगेंस्ट काम में लेते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट नेक्स्ट इज विच अमंग इज कोल्ड एज रिपीडेटिंग स्पोर्स इन स्टेम रस्ट ऑफ वीट देखो जो वीट की स्टेम रस्ट डिजीज है उसमें पांच तरीके के स्पोर्स देखने को मिलते हैं पी ए यू टी बी जिसमें कि यू यूरेडो स्पोर्ट्स जो है वो रिपीटेटिंग स्पोर्ट्स की तरह वर्क करते हैं और टीलियो स्पोर्ट्स जो है वो रेस्टिंग स्पोर्ट्स कहलाते हैं नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोटेक्शन इज जनरली यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ देखो क्रॉस प्रोटेक्शन बेसिकली क्या है ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें कि वायरस के माइल्ड स्ट्रेन को इनेक्ट किया जाता है ताकि रजिस्टेंट कैपेसिटी जनरेट हो सके ये बेसिकली हम बोलें कि सिट्रस में जो सी टी बी वायरस लगता है सिट्रस टिस्टिजा वायरस उसके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है नेक्स्ट इज आर टी पी सी आर मीन्स पी सी आर के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं इसमें से एक टाइप आर टी पी सी आर भी है जिसका फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पी सी आर नेक्स्ट इज इन जनरल द ग्रोथ कर्व ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपिडेमिक देखो एपिडेमिक के अगर जनरल ग्रोथ कर्व की बात की जाएगी तो ये सिग्मोइड होगा बाकी एपिडेमिक को हम दो तरीके से पढ़ते हैं कि एपिडेमिक का एसीमेट्रिकल ग्रोथ कर्व किस में बन रहा है और सिमेट्रिकल ग्रोथ कर्व किस में बन रहा है तो एसीमेट्रिक सिमेट्रिकल जो ग्रोथ कर्व है वो बेल शेप का हम बोल सकते हैं और ये लेट प्लेट ऑफ पोटैटो में देखने को मिलता है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा सिग्मोइड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड टेक्सोनोमी द क्लास ऑफ एंजाई एंडसविद यहाँ से भी हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास एंड किससे होती है जो पर्टिकुलर फाइलम है वो किससे एंड होता है फैमिली ऑर्डर किससे एंडिंग उनकी होती है तो क्लास जो है उसके पीछे माईसीड्स लगता है नेक्स्ट इज मोस्ट प्रोमिनेंट स्टिरोल प्रेजेंट इन ऊ माईसीड्स देखो ऊ माईसीड्स के अंदर बेसिकली अर्गो स्टिरोल प्रेजेंट होता है और फको स्टिरोल जो है वो ट्रू फंजाई के अंदर प्रेजेंट होता है द टलोमॉर्फ ऑफ कोलेट्रोट्राइकम देखो कोलेट्रोटाइकम एसेक्अल स्टेज है और इसकी सेक्ल स्टेज ग्लोमेरेला होती है नेक्स्ट इज बायो प्रोडक्ट एक्यू टेन दट इज इसकी फुल फॉर्म है एम्पेलोमाइसिस क्विसकुअलिस एक्यूटेन जिसे पाउडर मिल्ड्यू डिजीज के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है नेक्स्ट इज विच अमंग इज पी आर टू प्रोटीन तो बीटा वन थ्री ग्लोकानाजिस जो है वो पी आर टू पी आर का मतलब है पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन्स जो कि स्ट्रेस या फिर पैथोजन के अटैक के कारण उसके रेस्पॉन्स के अंदर जनरेट होती है और इसकी सेवनटीन क्लासेस में इसको कैटेगराइज किया गया है जिसमें कि बीटा वन थ्री ग्लूकोनेजेज जो है वो पी आर टू प्रोटीन का एग्जाम्पल है नेक्स्ट इज बैक्टीरिया विद सिंगल फ्लेजिला मत बोर्ड पोलर एंड्स आर फ्लेजिला के अरेंजमेंट के बेसिस पे बैक्टीरिया को काफ़ी कैटेगरीज uh, में डिवाइड किया जाता है जिसमें कि एक है एम्फिट्राइकस एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया का मतलब है ऐसे बैक्टीरिया जिनके दोनों पोलर एंड्स पर एक एक फ्लेजिला प्रेजेंट हो जैसे सपोज कि ये कोई बैक्टीरिया है इसके दोनों पोल्स पर एक सिंगल पोलर फ्लेजिलम अगर प्रेजेंट होगा तो उसे हम बोलते हैं एम्फिट्राइकस जबकि पेरिट्राइकस में क्या होगा पूरी बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली अगर फ्लेजिला प्रेजेंट है तो उसे हम पेरिट्राइकस बोलते हैं जिसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इरवीनिया नेक्स्ट इज़ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन द डिजीज़ प्लांट देखो अगर डिजीज प्लांट में डिजीज लगेगी तो वहाँ पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट इज विच बायो एजेंट इज यूज इज नॉट यूज टू कंट्रोल प्लांट डिजीजेज देखो शिडोमोना एम्पेलोमाइसिस बेसिलस को इन सभी को हम सोयल बोन डिजीजेज और डिफरेंट डिजीजेज को मैनेजमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं लेकिन ट्राइकोग्रामा किलोनिस जो है वो एक एंटोमो जो है आ, इंसेक्ट है नेक्स्ट इज माल फंक्शनिंग प्रोसेस इन द प्लांट बॉडी देखो माल फंक्शनिंग प्रोसेस हम बेसिकली डिजीज़ को बोलते हैं जो कि किसी भी बायोटिक और एबायोटिक एजेंट के द्वारा कॉन्टिन्यूस इरीटेशन करने के कारण प्लांट में जनरेट होती है नेक्स्ट इज द डिज़ाइन कॉमनली यूज इन इन विट्रो अगर हम पैथोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत वेल नोन फैक्ट है कि इन विट्रो इवेलुएशन जब हम करते हैं तो हम सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सीआरडी डिज़ाइन में करते हैं इसकी खास बात यह कि कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन जो है इसमें एक तो लोकल कंट्रोल नहीं देखने को मिलता है हम नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स रेप्लीकेशन जो है वो हम अनइक्वल रख सकते हैं इसके अलावा सी डिज़ाइन जो है वो लेबोरेटरी में यूज़ की जाती है और यहाँ पर होमोजेनिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि लेबोरेटरी कंडीशंस में ऑलरेडी सारी जो कंडीशंस होती हैं वो कंट्रोलेबल होती हैं नेक्स्ट इज इनकम्पैटेबल होस्ट पैथोजन इंट्रक्शन इन प्लांट्स रिजल्ट इन देखो होस्ट और पैथोजन के इंट्रक्शन में अगर इनकम्पैटेबल रिएक्शन होगी तो ये रेजिस्टेंस जनरेट करेगी नेक्स्ट इज़ टोबैको रिटल वायरस इज ट्रांसमिटेड बाई देखो टोबैको रिटल वायरस जो है वो बेसिकली आ, ट्राइकोडोरस से ट्रांसमिट किया जाता है नेक्स्ट इज टीलोमार्फिक स्टेज ऑफ सर्कोसपोरा सर्कोसपोरा की टीलोमॉर्फिक स्टेज है माइकोस्फ्रेला नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ पैथोजन आर मोर कैपेबल ऑफ कोजिंग एपीफायोटिक देन द सोइल बोन पैथोजन देखो एपीफायोटिक का मतलब यहाँ पर एपिडेमिक से हो गया तो ऐसा कौन सी टाइप के डिजीजेज uh, हैं जो कि एपीफायोटिक डिजीज को या एपिडेमिक डिजीज को ज़्यादा कोज करती हैं तो एयरबोर्न डिजीजेज नो डाउट हम बोल सकते हैं एपिडेमिक को ज़्यादा कोज करती हैं नेक्स्ट इज क्वारंटाइन मीन्स देखो क्वारंटाइन एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बेसिकली फोर्टी डेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल स्प्रे शुड बी डन देखो केमिकल का स्प्रे जो है वो हमेशा विंड की डायरेक्शन में करना चाहिए ताकि जो पर्सन केमिकल स्प्रे कर रहा है उसकी बॉडी पे उस केमिकल का हार्मफुल इम्फेक्ट इंफ, देखने को ना मिले नेक्स्ट इज टाइलोसोस आर फॉर्मड इन टाइलोसोस वैसे तो बेसिकली पेरेंटाइमिटेस्ट टिश्यूज में देखने को मिलते हैं लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं हो तो हम बोल सकते हैं जाइलम की वेसल्स में देखने को मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइलोस फंगोरम वॉज रिटन बाई तो साइलोस फंगोरम पी एस अकार्डो के द्वारा लिखी गई है राइस टुंगरो डिजीज देखो राइस टुंगरो डिजीज जो है वो बेसिकली दो तरीके के वायरसेस के द्वारा ट्रांस के द्वारा कोर्स की जाती है दैट इज आरटीबीवी एंड आर टी एस वी आर टी बी वी राइस टुंगरो बेसिलिफोम वायरस एंड आर टी एस वी राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस आर टीबीवी जो है उसमें डबल स्टैंडर्ड डी एन ए प्रेजेंट होता है एज ए जेनेटिक मटीरियल आर टी एस पी में सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए प्रेजेंट होता है नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोटेक्शन टेक्निक जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था उसे एमसी केनी नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था फाइटो प्लाज्माज आर सेंसिटिव टू देखो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं एक तो फाइटो प्लाज्माज रेजिस्टेंस किसके लिए होते हैं एक सेंसिटिव किसके लिए होते हैं तो फाइटोप्लाज्मा पैनिसलिन के लिए रेजिस्टेंस होते हैं क्योंकि पेनीसिलीन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि सेल वॉल के ऊपर एक्ट करती है जबकि फाइटोप्लाज्मा जो है उनमें सेल वॉल होती नहीं है सेल मेम्ब्रेन होती है तो फाइटोप्लाज्मा रेजिस्टेंस होते हैं पेनिसीन के लिए और सेंसिटिव होते हैं टेट्रासाइक्लिन के लिए क्योंकि टेट्रासाइक्लिन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वर्क करती है नेक्स्ट इज द टर्म कोइन डायरेक्ट क्वेश्चन है राइट right आंसर होगा ऑप्शन थर्ड लीडरबर्ग नेक्स्ट इज एच एम वन जीन एंड कोर्स फॉर द इनएक्टिवेशन ऑफ जीन जो है वो इनएमली हम बोल सकते हैं मेज के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो प्रोवाइड कराता है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ एचिन नेक्स्ट इज पोटैटो कॉमन स्के पैथोजन स्केबीज एंटर इन टू थ्रू देखो दो तीन तरीके के एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि एक तो बैक्टीरियल स्ट्रीक डिजीज ऑफ राइस हो गया जो कि स्टोमेटो के थ्रू एंटर करता है नेक्स्ट एग्जाम्पल uh, अगर हम राइस का ही बोलें तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो कि uh, हाइड्रोथोर्स के थ्रू एंटर करता है इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पोटैटो का दैट इज़ पोटैटो कॉमन स्कोप कॉमन स्केप पैथोजन जो कि लेंटी सेल्स के थ्रू एंटर करता है होस्ट की सेल्स में नेक्स्ट इज एल्बुगो कैंडिडा बिलोंग्स टू एल्बुगो कैंडिडा जो है वो उमाइकोट ग्रुप से बिलोंग करता है एल्बुगो कैंडिडा को हम बोल सकते हैं व्हाइट रस्ट के नाम से हम इसको जानते हैं रस्ट जो है वो बेसिकली बेसिडी से बिलोंग करती है लेकिन ये व्हाइट रस्ट एल्बुगो कैंडिडा जो है ये उमाइकोटा से बिलोंग करता है इसीलिए इसको फोल्स रस्ट के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट इज एन एस्कोकार्विच इज फ्लास्क शेप विद एन ओस्टियोल इन द सेंटर इज देखो एक ऐसी एस्कोकार्व यानी कि एक ऐसी सेक्शुअल फ्रूटिंग बॉडी जो कि फ्लास्क शेप की होती है दैट इज पैरिथीशियम और अगर यहाँ पर ए सेक्शुअल फुटिंग बॉडी पूछा जाता तो पिकनेडियम होती नेक्स्ट इज फंगस डज नॉट कंटेन देखो फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता है इसीलिए वो अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं वो दूसरों के ऊपर सेप्रोफिटिकली या फिर पैरासिटिकली निर्भर रहते हैं नेक्स्ट इज पाउडर मिल्ड्यू इज़ मोर सीरियस इन देखो पाउडर मिल्ड्यू के जो स्पोर्स होते हैं उनमें ऑलरेडी सेवेंटी परसेंट तक वाटर प्रेजेंट रहता है इसलिए उनको जरूरत नहीं होती कि उनको बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट पड़े तो ये ज़्यादा ड्राई वेदर में ही सीरियस होंगे और वैसे भी अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो पाउडर मिल्ड्यू के जो स्पोर्ट्स हैं वो बह के जाने में या रेनी जैसा सीजन होगा बारिश होगी अगर तो डिजीज की के एकरेंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं नेक्स्ट इज द प्रैक्टिस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ ए पैथोजन इन ए फील्ड और एरिया देखो जब हम एंट्री को ही प्रिवेंट कर रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं कि हम उसे अवॉइड कर रहे हैं जबकि अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में पैथोजन के अटैक होने के बाद में हम जब उसे इरेडिकेट करने की कोशिश करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इरेडिकेशन यानी कि रेडिकेशन क्या होगा आफ्टर द इन्फेक्शन इन्फेक्शन के बाद में अगर हम उसे रिमूव करने की कोशिश करें नेक्स्ट इज द टी टॉक्सिन एक्ट स्पेसिफिकली ऑन विच पार्ट ऑफ द ससेप्टेबल कोन्स एंड तो टी टॉक्सिन माइट्रोकोन्ड्रिया के ऊपर एक्ट करता है नेक्स्ट इज डोडर इज ए आप सभी को पता है इसको आपने इस तरीके से याद रख रखा होगा जो पर्टिकुलर ट्रिक है प्लांट फेनेरोगेमिक पैरासाइट्स की दैट इज सी एल ओ एस एस का मतलब होता है स्ट्राइगा और स्ट्राइगा में एस और आर आ रहा है इस मीनस ये सेमी और ये रूट यानी कि स्ट्राइगा जो है वो सेमी रूट है यहां पर कस्कूटा पूछा है यानी कि फर्स्ट पूछा है तो यहां पर ये हो जाएगा सेमी रूट ये हो जाएगा कंप्लीट रूट ये हो जाएगा सेमी स्टेम और ये हो जाएगा कंप्लीट स्टेम तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड टोटल स्टेम पैरासाइट नेक्स्ट इज

सोर्गी से कोज की जाती है नेक्स्ट इज फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरिया वो रिपोर्टेड बाई अब यहाँ पर देखो दो तरीके का क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरिया को टीजे बुरिल ने खोजा था जो कि फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पीयर कोज कर रहा था दैट इज इरविनिया माइलोवोरा जबकि यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हो सकते थे कि फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरिया इन इंडिया तब यहाँ पर राइट right आंसर होता पोटैटो की डिजीज नेक्स्ट इज द जीनस ऑलपीडियम एंड एलोमाइसिस बिलोंग्स टू द क्लास तो ये काइटिडियोमाइसिट्स क्लास से बिलोंग करते हैं नेक्स्ट इज द फनजीसाइड नोन एज किटल्सन किलर इज कप्टान कैप्टान जो है उसको किटल्सन किलर के नाम से जाना जाता है किटल्सन एक साइंटिस्ट थे जिनकी जो डेथ थी वो कैप्टान फंजीसाइड के कारण हुई थी नेक्स्ट इज फाइटोपैथोमेट्री रेफर्स टू देखो फाइटोपैथोमेट्री बेसिकली डिजीज असेसमेंट को बताता है नेक्स्ट इज ट्राईसाइक्लाजोल इज हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट ट्राईसाइक्लाजोल राइस ब्लास्ट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है नेक्स्ट इज एलिडा टेक्निक वॉज गिवन वन देखो आप सभी ने एलिजा टेक्निक के लिए अलग अलग साइंटिस्ट के नेम पढ़े होंगे पर यहाँ पर आ, आपकी जो बुक भी है उसमें भी मेंशन किया गया है कि एलिजा टेक्निक एंजाइम ऐसे के द्वारा जबकि कहीं कहीं लिखा होता है एलिजा जो है वो वॉलर एटाल के द्वारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नेक्स्ट इज बनाना बाई बनाना बंसिटॉफ वायरस जो है वो एफिड पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा के द्वारा ट्रांसमिट होता है वायरस कोजिंग बिलोंग्स टू तो सिट्रस टीजिया वायरस जो है वो क्लोस्टरो वायरस से बिलोंग करता है द जीनस बेगोमो वायरस बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ देखो बेगोमो वायरस में बेसिकली क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड डी एन एज ए जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है और ये जेमिनी विरिडी के अंदर कंसिडर होता है नेक्स्ट इज फर फर्स्ट ऑगजेंथिन मार्केटेड विद द ट्रेड नेम इज देखो फर्स्ट ऑक्जेंथिन ये उसी पर्टिकुलर सिस्टमिक फंजी की बात कर रहे हैं जिनकी खोज वन एंड चैम्बलिंग वन चैम्बलिंग एंड कलका के द्वारा 1966 में की गई थी जिसे हम कार्बोक्सिन के नाम से जानते हैं और उसी का ट्रेड नेम है विटावैक्स जो कि ऑक्जेंथिन ग्रुप के अंदर आता है नेक्स्ट इज टी एम वी रेजिस्टेंस जीन ये सबको पता है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड म्यूरीफॉम शेप कोनेडिया जो है वो अट्टरनेरिया में देखने को मिलते हैं विच अमंग ए कम्प्लीट फेनेरोगेमिक रूट पैरासाइट अभी हमने देखा था क्लोज जो ट्रिक है उसके माध्यम से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड नेक्स्ट इज आर एन ए साइलेंसिंग इज प्लांट डिफेंस प्राइमली अगेंस्ट तो आर एन ए साइलेंसिंग को बेसिकली वायरसेस के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है नेक्स्ट इज जेनिक्यूलेट टाइप ऑफ कॉनिडियो फोर्स आर प्रेजेंट इन तो ये सरकोसपोरा में प्रेजेंट होता है मेजोरिटी ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ एस्कोमाइसिट्स इज इन तो जो एस्कोमाइसिड्स की मेजोरिटी ऑफ लाइफ साइकिल है वो हेप्लोफेज में प्रेजेंट होती है नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल स्पेसिस जिसे हम एफ एस के नाम से जब साइंटिफिक नेम लिखते हैं लिखते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट इरिक्शन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था नेक्स्ट इज़ फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम का जिसमें प्लांट पैथोलॉजी पूछा जाता है कि ग्रीन अरो डाउनी मिल्डो डिजीज़ ऑफ पर्ल मिलेट को सबसे पहले इंडिया में किसने रिपोर्ट किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज ए बटलर नेक्स्ट इज ऐसे डिजीजेस जो कि अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में बहुत साल लगा देते हैं तो पॉलीएक्टिक डिजीजेज इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि मोनोसाइक्लिक मतलब ऐसे डिजीज़ जो एक साल में अपना एक ही लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाती है और पॉलीसाइक्लिक uh, मतलब एक साल में uh, एक से ज़्यादा लाइफ साइकिल कंप्लीट करे और पोलियक्टिक डिजीज मतलब होता है कि एक डिजीज जो कि एक से ज़्यादा साल लगा दे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में नेक्स्ट इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ जूस पोर्स ऑफ पीथियम स्पीसीज देखो पीथियम स्पीसीज का जो जूसपोर्स का डिफ्रेंसिएशन होता है वो एक स्ट्रक्चर बनती है उसमें वेसिकल वेसिकल स्ट्रक्चर बनती है उसके अंदर इनका डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है नेक्स्ट इज द पैरासेक्सुअलिटी सेक्शुअलिटी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई तो पोन्टा कैर्वा के द्वारा सबसे पहले पैरासेक्सुअलिटी को डिस्कवर किया गया था एज पर जेलिस नेडूलैंड में नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइलेंट स्प्रिंग बुक इज रिटन बाई तो रचल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग बुक लिखी थी ओवरग्रोथ और प्रोलिफिशन ऑफ प्लांट टिश्यूज इज कोज बाई ओवरग्रोथ किसके द्वारा कोज की जाती है एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा यहीं पर ही इसके अलग क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस भी हो सकते थे जैसा कि एग्रोबैक्ट होरिजोन्टल जिन ट्रांसफर में कौन सा पर्टिकुलर बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है तो एग्रोबैक्टीरियम है एग्रोबैक्टीरियम का कौन सा पर्टिकुलर पार्ट part है जिसके लिए वो ओवर करने के लिए कैपेबल हो पाता है तो टीआई प्लास्टमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बैक्टीरियल विल्ट ऑफ पोटैटो देर इज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन प्राइमर यूज फॉर मोलिकुलर कैरेक्टराइजेशन ऑफ फंजाई आर देखो हम 16 आर आर एन एपेसिफिक प्राइमर्स को यूज़ करते हैं बेसिकली बैक्टीरिया के लिए हम फंगस के लिए आई टी एस प्राइमर्स दैट इज इंटरनल ट्रांसक्राइब स्पेशल प्राइमर्स को यूज़ करते हैं नेक्स्ट इज बल्बस एपेंडिज आर फाउंड इन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइलेक्टिनियम देखो पाउडर मिल्टू के जितने भी जेनेरा हैं उनसे को, कोई ना कोई क्वेश्चन आने के चांसेज हमेशा रहते हैं चाहे उनका आ, उनकी जो डाइट ब्रांचिंग पैटर्न है उससे पूछा जाए या फिर वो एक्टोफाइटिक या एंडोफाइटिक है उससे पूछा जाए या फिर अभी बलबस अपेंडेजिस के बारे में पूछ लिया गया है तो इस तरीके से आपको पूरे जानेर उसके ध्यान में रखनी है नेक्स्ट इज मेंबर ऑफ फैमिली पेरानोसपोरेसी देखो पेरोनोसपोरेसी में आती है डाउनी मिल्ड्यू फंगस और डाउनी मिल्ड्यू फंगस क्या होगी ओब्लीगेट पैरासाइट होती है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट नेक्स्ट इज स्पोर कोजिंग प्राइमरी इन्फेक्शन ऑन वीट इन ब्लैक रस्ट डिजीज देखो वीट की जो क्रॉप है उसको सबसे पहले एसीओ स्पोर्स अफेक्ट करते हैं नेक्स्ट इज फाइटो एलेक्जिन ग्लायोसिलिन इज प्रोड्यूस्ड इन देखो सोयाबीन जो है उसमें प्रोड्यूस किया जाता है फाइटो एलेक्जिन ग्लायोसियोलिन क्योंकि पोटैटो से जो है वो रिसिटिन प्रोड्यूस किया जाता है और ये जो ग्लाइसियोलिन है ये सोयाबीन से प्रोड्यूस होता है तेटिलोमॉर्फ ऑफ फ्यूजेरियम तो फ्यूजेरियम की सबको पता है जिब्रेला जो है वो टीलोमॉर्फ है मोस्ट डैमेजिंग स्टेज ऑफ एंगूरियम पिप्टीसाइकोजिंग और कोकल ऑफ वेट इस तो देखो जो निमेटोड होते हैं मोस्टली निमेटोड जो होते हैं उनकी जो डैमेजिंग स्टेज होती है वो जुएलइन टू या जे टू स्टेज जो है वो होती है नेक्स्ट इज अमंग इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस ये तो सबको रटा हुआ क्वेश्चन रहता है कौलिफल, वायरस जो है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है नेक्स्ट इज वाइल्ड फायर टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय तो सुडोमोना सिरिंजी पैथुआल टेबेसाई के द्वारा वाइल्ड फायर टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है नेक्स्ट इज प्राइमरी जूस पोर्स ऑफ ओ माइसीड्स आर देखो ओ माइसीड्स के जो प्राइमरी जूस पोर्स होते हैं वो पायरी शेप के होते हैं जबकि सेकेंडरी जूस पोर्स जो होते हैं वो रेनीफॉर्म शेप के होते हैं नेक्स्ट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन्स हाउ मेनी रिंग्स इन देयर फ्लेजिला देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में दो फ्लेजिलल रिंग प्रेजेंट होती हैं जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में चार फ्लेजिलल रिंग प्रेजेंट होती हैं नेक्स्ट इज सिट्रस एग्जोकोल्टिस इज कोसड बाई सिट्रस एग्जोकोल्टिस जो है वो वायरयड के द्वारा होने वाले डिजीज है इसी के साथ इसमें कोकोनट कड़ाम कड़ाम डिजीज का क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो कि भी एक वायरोड डिजीज है

हर्टिंग नेट फॉर्म्स इन ये लास्ट ईयर नेट के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था हर्टिंग नेट्स जो है वो एक्टोमाइक्रोइा में देखने को मिलते हैं नेक्स्ट इज नेक्ट एस आई आर प्रोड्यूस्ड इन टेफरेना डी फॉर्मेज में नेक्ट एस आई प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट इज द जीनस इर्विनिया बिलोंग्स टू द फैमिली तो इरवीनिया जो है वो एंटेरोक्टेरियासी फैमिली से बिलोंग करता है फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने कि आइडेंटिफाई किया फनजाई को और कलेक्ट किया इंडिया में वो थे के आर कीर्तिकार नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंजीसाइड विद एम बी मोबाइल ट्रांसलोकेशन इसका मतलब होता है कि ऐसे फंजीसाइड जो कि अपर और अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरीके से मूवमेंट कर सकें दैट इज फोसिटाइल एयल नेक्स्ट इज टाइप थर्ड सिक्रेशन सिस्टम इज जनरली फाउंडेड टाइप थर्ड सिक्रेशन सिस्टम हो सेकेंड सिक्रेशन सिस्टम हो या फर्स्ट हो बैक्टीरियाज में ही सिक्रेशन सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट uh, है वो देखने को मिलता है नेक्स्ट इज द प्लांट क्वारंटाइन फॉल्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ तो प्लांट क्वारंटाइन जो है वो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर कंसिडर किया जाता है नेक्स्ट इज विच अमंग इज अ नॉन सिस्टमिक फंजी देखो कार्बन नजिम और कार्बोक्सिन का आपको पता है सिस्टमिक फंजी है और कार्बोक्सिन तो इवन फर्स्ट सिस्टमिक फंजी है और फोसेटाइल एल जो है वो भी एक सिस्टमिक फंजी के अंदर कंसिडर होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड प्रोपिनेम नेक्स्ट इज द पाथवे एक्टिवेटेड इन सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस इस ये टर्म जो है वो रोस नाम scientist के साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी और इसमें सेलेसिलिक एसिड पाथवे जो है वो एक्टिवेट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेप वाइन फैन लीफ वायरस जो है वो जिम्फेमा इंडेक्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है जो कि एक निमिट है नेक्स्ट इज स्ट्राइप रस्ट ऑफ वीट इज फेवर्ड बाई तो कूल मोइस्ट वेदर के द्वारा स्ट्राइप रस्ट ऑफ वीट डिजीज को फेवर किया जाता है होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन हेल्पफुल रहे होंगे किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू